शिवानंद तिवारी जी और ललन जी को बताना चाहिए कि सीबीआई के यहाँ क्यों कागज उन्होंने दिए। तो जो लोग उस समय तो हाफ पेंट भी नहीं पहनते होंगे उस पर क्या कमेंट हम लोगों को कर। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी आज बेहद गुस्से में थे। उन्होंने साफ लफ्जों में सीबीआई और ईडी पर महागठबंधन के साथ साथ तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया है। उन्होंने ये कहा कि सीबीआई और ईडी जो आज इतना मुद्दा बन रहा है, ये जब जनता दल की बिहार में सरकार थी तब से चली आ रही है, लेकिन आज इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। और उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा है कि जो उस वक्त हाफ पैंट भी नहीं पहनते थे उन्हें हम क्या जवाब दें। आप खुद सुनिए सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, विजय जी ने भी स्पष्ट कहा, 1996 में सीबीआई का पदार्पण बिहार में हुआ, तब राष्ट्रीय जनता दल या जो जनता दल उस समय था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और देश में जनता दल की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंदु कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, तब से सीबीआई यहाँ हो रहा है। और सीबीआई को आवेदन वाले लोग तो उन्हीं के साथ बैठे, उनसे पूछना चाहिए, शिवानंद तिवारी जी और ललन जी को बताना चाहिए कि सीबीआई के यहाँ क्यों कागज उन्होंने दिया। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि आप ही ने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाया है तो आप बताएं। चाहे वो यूपीए की सरकार हो, तब भी ललन सिंह जी ने ही जाकर प्रश्न को पूरा कागज को पहुँचाया, शिवानंद तिवारी जी शरद यादव जी ने पहुँचाया। इसलिए देखिए, पूरी तरह सीबीआई का खेल 1996 से चल रहा है, जब जनता दल की सरकार थी। तो जो लोग उस समय तो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे उस पर क्या कमेंट हम लोगों को कर सकते हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के घर पर रेड पड़ी। इसके प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, जो राष्ट्रीय पर्व था तिरंगा पर्व को किस तरह पूरे देश में मनाने का काम पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किया। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के चित्र के बारे में बताया आपको, कहाँ पहाड़ पर, कहाँ जमीन पर चीजें किस तरह इस देश में स्थापित हुई। इसलिए आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देशवासी ने राष्ट्रीय पर्व तिरंगे को पूरी तरह मनाने का काम किया। आज़ादी के जो 75 वर्षगांठ हम मना रहे थे, ये अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना, आपको बताते चले कि उन्होंने साफ लफ्जों में तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है और तेजस्वी यादव के बारे में ये कह दिया है इशारों ही इशारों में कि जिन्हें जो उस वक्त हाफ पैंट तक नहीं पहनते थे उन्हें हम क्या जवाब दें। यानी कि ईडी सीबीआई वाला जो मैटर चल रहा है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका करारा जवाब सम्राट चौधरी देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आपकी राय क्या है इस बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।